जब हम अपने व्हीकल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं, चाहे वो पॉलिसी हम एजेंट से परचेज करें, इंश्योरेंस ऑफिस से परचेज करें या फिर इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज करें, उस इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल्स एम परिवहन या फिर परिवहन के वेब पोर्टल पे शो होना शुरू हो जाती हैं। पॉलिसी खरीदने के 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के बीच में इंश्योरेंस की अपडेटेड डिटेल्स परिवहन के पोर्टल पे शो हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इन केस अगर आपकी इंश्योरेंस डिटेल्स परिवहन के पोर्टल पे 24 या 72 घंटे के बीच में शो नहीं होती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नितिन पाल, आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। अगर हमें अपने व्हीकल से रिलेटेड परिवहन डिपार्टमेंट से कोई भी सर्विस लेनी है और हमारे इंश्योरेंस की डिटेल्स परिवहन डिपार्टमेंट के सर्वर में अपडेटेड नहीं है तो हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और साथ ही अगर हमारे इंश्योरेंस की डिटेल्स परिवहन ऐप पे अपडेटेड नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस वहां से चेक करके आपका चालान भी कर सकती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें परिवहन डिपार्टमेंट से सर्विस लेने के लिए या फिर ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए अपनी इंश्योरेंस की डिटेल्स जो है परिवहन के पोर्टल पे, परिवहन के सर्वर पे अपडेटेड रखना जरूरी है। इन्हें कैसे रखेंगे अपडेटेड, ये ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, लेकिन 72 आवर्स में अगर नहीं होती हैं तो इन्हें कैसे अपडेट करवाएंगे, आज के वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो चलिए ले चलता हूँ मैं सीधे आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जब आप अपने मोबाइल में एम परिवहन ऐप को ओपन करेंगे और आरसी डैशबोर्ड में अपने व्हीकल का नंबर फिल करेंगे और उसके बाद सिंपली आप इसको जब सर्च करेंगे तो आपके सामने एम परिवहन के आरसी डैशबोर्ड में आपके व्हीकल की सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। और जब हम यहाँ पे देखते हैं तो इंश्योरेंस की डिटेल भी यहाँ पे अपडेटेड शो हो रही हैं, यानी व्हीकल की इंश्योरेंस 28 जनवरी 2022 तक जो है वो यहाँ पे अपडेटेड शो हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये इंश्योरेंस 28 जनवरी को परचेज की थी और मैंने कहीं से भी इसको अपडेट नहीं करवाया है और डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदने के बाद ये मेरी इंश्योरेंस एम परिवहन ऐप पे ऑलरेडी अपडेटेड शो हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये इस पोर्टल पे एम परिवहन ऐप पे कैसे अपडेटेड शो रही है, ये कैसे होती है और अगर आपकी ये पॉलिसी शो नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, आज के वीडियो में मैं आपको यही सब बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं उस पूरे प्रोसेस की कि कैसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी खुद ब खुद एम परिवहन पोर्टल पे अपडेट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा जो मैंने प्रिपेयर की है, जिसमें मैं आपको ये सारा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे एक सिंपली इंश्योरेंस पॉलिसी परिवहन के सर्वर पे अपडेट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट से खरीदी है या फिर आपने ऑनलाइन खुद वेब पोर्टल से खरीदी है या मोबाइल से परचेज की है या फिर आप किसी इंश्योरेंस ऑफिस से आप इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद के लाए हो, तो फ्रेंड्स ये सारी की सारी पॉलिसीज जो हैं वो ऑनलाइन इंश्योरेंस के सर्वर पे अपडेट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इंश्योरेंस का सर्वर। अब आप पॉलिसी कहीं से भी खरीद के लाए, ये इंश्योरेंस के सर्वर पे अपडेट हो जाएगी 24 या फिर 72 घंटे में। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आरटीओ सर्वर की। तो जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली और ऑनलाइन वो पॉलिसी इंश्योरेंस के सर्वर पे स्टोर हो गई, तो अब आरटीओ के जो सर्वर होते हैं वो इंश्योरेंस सर्वर के साथ सिंक होते हैं, उन दोनों को लिंक करवाया जाता है। वो आपस में जब डाटा शेयर करते हैं तो जो इंश्योरेंस कंपनी का डाटा है वो आरटीओ ऑफिस के डाटा के साथ जब सिंक होता है तो वो एक दूसरे को मैच करके जिस व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी जिस डेट को हुई थी वो अपडेट हो जाती है और वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस सर्वर से आरटीओ ऑफिस को ट्रांसफर हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये डाटा सिंक होता है तो डाटा सिंक होने के बाद ही आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आरटीओ सर्वर में अपडेटेड होती है और इसी तरह वही पॉलिसीज आपको एम परिवहन ऐप पे अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं, जैसा हम देख रहे थे। इसी तरह अगर आप कोई सर्विस लेने जा रहे हैं आरटीओ ऑफिस में, कोई ट्रांसफर फीस कटवाने जा रहे हैं या फिर पासिंग फीस कटवा रहे हैं और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन अपडेट नहीं है, इंश्योरेंस सर्वर से आपका डाटा आरटीओ में सिंक नहीं हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर पॉलिसी खरीदने के 72 घंटे बाद भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी एम परिवहन ऐप पे अपडेटेड शो नहीं हो रही है तो आपको सिंपली helpdesk-mparivahan@gov.in पे मेल करनी है, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे मेल आईडी देख रहे हैं जो ब्लू फॉन्ट्स में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मेल करेंगे तो
तो मैं आपके सामने एक सैंपल भी शेयर कर रहा हूँ। ये जो आप इमेज अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक आरसी अपडेट करने के लिए की गई मेल है। इसमें आप व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी, वो इंश्योरेंस पॉलिसी कब से कब तक वैलिड थी, और अपनी पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आप मेल से सेंड करेंगे। जब आप मेल से सेंड करेंगे तो 24 आवर्स में आपको परिवहन डिपार्टमेंट की ओर से रिप्लाई भी आ जाएगा, जिसमें वो आपकी प्रॉब्लम का पूरा रेजोल्यूशन देंगे। जैसे मैंने इस व्हीकल की एक मेल की थी, मुझे इसका रिप्लाई आया था कि आप अपनी वाहन ऐप को अपडेट कीजिए, और साथ में उन्होंने इस व्हीकल की सारी अपडेटेड डिटेल्स मेरे साथ शेयर की थी, जो कि ऑलरेडी उनके पोर्टल पे अपडेट हो चुकी थी। और मैंने अपने व्हीकल की पूरी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर ली थी कि जो मैंने इंश्योरेंस की थी वो ऑलरेडी इनके पोर्टल पे अपडेट हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको सिंपल सी मेल करनी है और आपको परिवहन डिपार्टमेंट की ओर से इसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था तरीका। आपको इंश्योरेंस पॉलिसी कहीं से भी अपडेट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो 72 घंटे में अपडेट हो जाती है। लेकिन अगर इन केस आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी अपडेट नहीं भी होती है, तो आपको मैंने जो मेल आईडी बताया, सिंपल सी मेल आप वहां पे कीजिए, आपको वहां से रेजोल्यूशन इसका मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने देखा कि कैसे हम इंश्योरेंस की डिटेल्स परिवहन ऐप पे, परिवहन के पोर्टल पे अपडेट कर सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप फिर से मेरे चैनल पे आए हैं तो धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।